हेलो फ्रेंड्स, आज से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाए थे। उसमें बताया गया था जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है और जीमेल पे ओटीपी जा रहा है, तो इसमें ओटीपी आपको मिलने के बाद कंफर्म योर आइडेंटिटी करने के बाद आपको यहाँ से अकाउंट ओपन होता है, लेकिन बिना ओटीपी के और बिना डॉक्यूमेंट के, बिना आधार कार्ड के, डमी आधार कार्ड के, मतलब बिना डॉक्यूमेंट के आप कैसे ओपन कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ना एंड तक बने रहिए। देखिए, अगर आप लोग को ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आपका मोबाइल नंबर खो गया है, जीमेल खो गया है और ना ही आपका डॉक्यूमेंट से नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पे विदाउट डॉक्यूमेंट और विदाउट ओटीपी के ओपन कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है रुपेश कुमार, आप देख रहे हैं आर के हेल्प्स टू मे। तो सबसे पहले मोबाइल के स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ से फीडबैक कैसे अपलोड करते हैं, किस तरह से सेंड करते हैं, आज की इस वीडियो में फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पे और किस तरह से फीडबैक सेंड करना होता है, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आपको लॉगिन अप्रूवल नीड प्रॉब्लम चल रहा है, तो ना ही ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगा ना ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। ओनली आपको डेट ऑफ बर्थ और नेम से, जो आपको फेसबुक में नेम रहेगा वही नेम से आपको यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो कैसे ओपन करेंगे आप लोग इस वीडियो में एंड तक बन रही है। देखिए, सबसे पहले आपको फेसबुक लॉगिन करने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पेंसिल वाला आइकन दिख रहा होगा, तो इस वाला लाइन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है फेसबुक, इस तरह के लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो आपको प्रॉब्लम रहेगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे आपको लॉगिन अप्रूवल नीड प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंपोजिक जीमेल पे यहाँ पे आपको लिखना है आईडी नेम, पहले लिखना है से हेलो टिकी टीम, हेलो सॉरी हेलो फेसबुक टीम, इस तरह के लिखना है। उसके बाद फेसबुक आपका नेम रहेगा वो आपको लिखना है, तो यूजर नेम यहाँ पे लिखेगा यूजर नेम, उसके बाद आईडी नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ के बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जीमेल, इस तरह के लिखने के बाद आपको लास्ट में थैंक यू थैंक्स यू लिखना है। उसके बाद आपको ऊपर में गैलरी वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अटैच फाइल पे क्लिक कर देना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला लाइन पे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आ जाता है। उसके बाद जो भी आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरह से कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। उसके बाद आपको ऊपर में सेंड वाला आइकन दिख रहा होगा, सेंड वाला आइकन पे क्लिक करते ही यहाँ से आपको फीडबैक सेंड कर दिया जाएगा और 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट अप्रूवल से हट जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो शुरू से एंड तक देखिए, बिना ओटीपी के, बिना डॉक्यूमेंट के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से करना होता है वो आप लोग को शुरू से एंड तक वीडियो देखना होगा, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन आप लोग यहीं से वीडियो कट करके चले जाते हैं, आप लोग समझते हैं फेक वीडियो बना रहा है, फेक वीडियो नहीं है। अगर आप लोग सही तरीका से रूल फॉलो करते हैं तो आपको ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग को इतना भी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं फिर भी ओपन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से मेरे पास आकर मैसेज कीजिए कि सर जी मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है कैसे ओपन करें। तो इंस्टाग्राम पे आने के लिए ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक से रिलेटेड काफ़ी सारा अपडेट मिलता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।